हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केस स्टडी में। मैं कमल बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए ऊष्मगतिकी का महत्वपूर्ण टॉपिक कराऊंगा दोस्तों, थर्मोडायनेमिक का। इसका नाम है दोस्तों आपका गिब्स मुक्त ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में आप पढ़ेंगे, जो आपका दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो भले ही आपका दोस्तों कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या फिर आपका विद्यालय का एग्जाम हो दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आराम से, आप देखिएगा वीडियो को पूरी दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, शुरू करने के पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आराम से, आप देखिएगा वीडियो को दोस्तों। दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ऊष्मगतिकी क्या होती है। इसके बारे में आपको पहले ही बता जा चुका है दोस्तों, इसके बारे में हमने दो नियम भी बताए थे आपको ऊष्मगतिकी के, उनको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। देखिए ऊष्मगतिकी होता है दोस्तों आपका विज्ञान की वह शाखा जहाँ पर हम ऊष्मा का अध्ययन करते हैं या फिर ऊष्मा के परिवर्तनों का दोस्तों अध्ययन करते हैं। और ऊष्मा क्या होती है दोस्तों, ऊर्जा का ही एक रूप ऊष्मा होती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसके थोड़ा सा बैक के बारे में जाते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में जोशे विलार्ड गिब्स ने, नाम इनका क्या है दोस्तों, जोशे विलार्ड गिब्स इनका नाम है, ने एक सूत्र का निर्माण किया जिससे किसी निकाय या फिर समीकरण की मुक्त ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या दिया दोस्तों, एक सूत्र दिया है, फिर आप समीकरण कहें, समीकरण दी दोस्तों, जिसके द्वारा क्या होता है, मुक्त ऊर्जा को आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके द्वारा दोस्तों आप किसी निकाय की या किसी समीकरण की मुक्त ऊर्जा को ज्ञात करते हैं। तो पहले आप ये समझिए। अब देखिए दोस्तों, इनके अनुसार क्या था, डेफिनेशन क्या थी, किसी निकाय से प्राप्त अधिकतम ऊर्जा। निकाय आपको पता होगा दोस्तों, वह भाग जहां पर हम प्रयोग करते हैं। ब्रह्मांड का कोई भी आप भाग ले लें दोस्तों, जहां पर आप परीक्षण करते हैं, वो आपका निकाय कहलाता है। तो निकाय हो गया, बाहर का आपका प्रवेश कहलाता है, और ये आपकी दोस्तों परिसीमा कहलाती है, जो आपकी ये लिमिट है ये आपकी परिसीमा कहलाती है। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, किसी निकाय से प्राप्त अधिकतम ऊर्जा जिसको किसी उपयोगी कार्य के रूप में परिवर्तित किया जा सके, अर्थात दोस्तों यहाँ पर देखिए, जिसका उपयोग करके आप किसी कार्य में परिवर्तन कर सकेंगे, अर्थात उसकी कोई मात्रा होगी दोस्तों, तो उसे आप कहेंगे निकाय की मुक्त ऊर्जा। तो यहाँ पर देखिए, इतनी मात्रा होनी चाहिए कि उसके द्वारा ऊर्जा के कार्य किसी भी कार्य में परिवर्तन हो सके, तो उसे आप दोस्तों निकाय की मुक्त ऊर्जा कहेंगे। तो यही दोस्तों आपकी डेफिनेशन कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, आप डेफिनेशन के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपको प्रैक्टिकली बताते हैं तो आपको और पुख्ता हो जाएगा। इसका समीकरण होता है दोस्तों आपका जी बराबर एच माइनस टी एस, और यहाँ पर एच क्या है दोस्तों, एच आपका एंथैल्पी है। एंथैल्पी क्या होती है दोस्तों, आप इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक जानिए तभी आपकी समझ में आ पाएगा। एंथैल्पी होती है दोस्तों, मान लीजिए आपका कोई निकाय है, इस निकाय के दोस्तों जो अंदर पूरी ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा है, मान लीजिए आपकी यू है, और दोस्तों आपके परिसीमा के बाहर पर यहाँ पर ऊर्जा है दोस्तों, परिसीमा जो आपने यहाँ पर देखी, जो आपकी दोस्तों सतह है, सतह पर जो आपकी ऊर्जा है दोस्तों, सतह पर वो आपके, आप उसे पीवी से दिखा सकते हैं, अर्थात दाब गुणा आयतन आप कहते हैं दोस्तों। तो ये जो आपकी है, दोनों का योग कर देंगे आप, तो ये दोस्तों आपको एंथैल्पी देगा। तो आप एंथैल्पी एच बराबर कह सकते हैं दोस्तों यू प्लस पीवी। तो इसे आप समझिए, एंथैल्पी पर भी बहुत बार आपका परिभाषा लिखने को आती है या फिर आपका समीकरण निकालने को आता है। तो ये आपका एंथैल्पी दिखाता है दोस्तों, आंतरिक ऊर्जा प्लस सतही ऊर्जा। अब देखिए दोस्तों, टी एस क्या होता है, टी यहाँ पर क्या है दोस्तों, टी आपका है परम ताप, मतलब आपका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है दोस्तों, जिस पर निकाय यहाँ पर रह रहा होगा, यहाँ पर आपका जो तापमान होगा टी होगा, तो आपका जो परम ताप है दोस्तों बाहर का, ये आपका टी होगा पूरा निकाय के बाहर का। और एस आपका है दोस्तों एंट्रोपी। अब एंट्रोपी क्या होती है, इसके आधार पर भी क्वेश्चन आता है। एंट्रोपी होती है दोस्तों, जब कोई निकाय देखिए आपका अवस्था परिवर्तन कर रहा होगा, या फिर दोस्तों किसी निकाय में अव्यवस्था होती है। अव्यवस्था का मतलब दोस्तों, जो भी अंतर होगा, मान लीजिए आपका दोस्तों कोई ठोस से द्रव में बदल रहा है, तो द्रव में बदलते बदलते दोस्तों आप देखेंगे अव्यवस्था बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब, यदि आपका बर्फ को ही आप ले लें, बर्फ से यदि आपका द्रव में बदलता है, तो पहले के दोस्तों क्या होगा, धीरे धीरे इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। तो ये परिवर्तन जितना ज़्यादा बढ़ेगा दोस्तों, उतनी एंट्रोपी ज़्यादा होगी। तो एंट्रोपी को आप यही समझेंगे कि जो आपका अवस्था में परिवर्तन होगा, मान लीजिए आपका पहले ठोस है, तो आपके कण क्या है, निकाय के सघन होंगे, तो धीरे धीरे दोस्तों ये विरल होने लगे, दूर होने लगेंगे, तो ये अव्यवस्था अंदर बढ़ रही है। तो ये अव्यवस्था बढ़ेगी दोस्तों, तो इसका मतलब निश्चित रूप से इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। तो इसे ही दोस्तों आप एंट्रोपी कहते हैं, जो आपकी यहाँ पर ऊर्जा है दोस्तों, जो ऊर्जा बदलेगी, तो इसे आप एंट्रोपी कहते हैं। तो एंट्रोपी आपके समझ में आ गया होगा। तो ये दोस्तों आपका एच माइनस टी एस आपका होता है। कहने का मतलब है, जो आपकी एंथैल्पी होती है, उसमें से यदि आप दोस्तों इन दोनों का गुणनफल निकाल दें, तो वो आपका गिब्स ऊर्जा देता है। तो दोस्तों उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद निकालते हैं दोस्तों गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। देखिए दोस्तों, पहले आपको गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण का मतलब पता होना चाहिए। ये दोस्तों बताता है गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन दोस्तों। तो देखिए, परिवर्तन को यदि आप देखेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको एक निकाय लेना पड़ेगा, जिसका मान लीजिए आपका आंतरिक आपने ऊर्जा ली है यू1, और आपका दोस्तों और आयतन लिया है V1। अब देखिए दोस्तों, वैसे आपने दूसरा निकाय लिया, या फिर आपने इसी निकाय को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो आपका U2 बन गई आंतरिक ऊर्जा, कार्य किया तो आपने U2 बन गई, और V2 आपका आयतन बन गया।
तो इसके लिए दोस्तों आप क्या देखेंगे, मान लीजिए इसकी गिब्स ऊर्जा आपकी G1 है, इसकी G2 है, तो परिवर्तन कितना होगा दोस्तों, G2 - G1 होगा, तो G2 माइनस परिवर्तन बराबर आप कह सकते हैं G2 - G1 बराबर कितना होगा दोस्तों आपका, देखिए आपको फॉर्मूला पता है H - TS होता है, H बराबर आपको बताया था दोस्तों हमने U+PV - TS, क्योंकि आपका H की जगह पर आप ये रखेंगे, तो यहाँ से आपको पता लगेगा दोस्तों आपका U+PV, तो ये आपको ध्यान देना है, और एंट्रोपी भी दोस्तों आपकी S1 और S2 होगी। अब आप आराम से निकाल सकते हैं, देखिए तो G2 का मान कितना होगा दोस्तों, U2+PV2 - TS2, यहाँ पर आप ध्यान देंगे दाब आपको और ताप समान रखना है, दाब और ताप को दोस्तों आपको समान रखना है, तभी दोस्तों आप निकाल पाएंगे, और माइनस आप कर देंगे दोस्तों, माइनस क्या कर देंगे आप, G1 क्या है आपका U1+PV1 - TS1, तो यहाँ से आप निकालेंगे दोस्तों तो आपको क्या मिलेगा, U2 - U1 + PV2 - V1 - दोस्तों आपका TS2 - S1, तो यहाँ से आपका निकल गया दोस्तों। देखिए आपका U2 - U1 का मतलब दोस्तों आपका परिवर्तन है, तो आप परिवर्तन को दिखाते हैं दोस्तों डेल्टा से, तो G2 - G1 बराबर आपका डेल्टा जी आप कह सकते हैं, डेल्टा का मतलब दोस्तों आपका परिवर्तन, और ये आपका दोस्तों डेल्टा यू हो गया, प्लस पी डेल्टा वी हो गया, और माइनस आपका टी डेल्टा एस हो गया, तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर फॉर्मूला आ गया इस प्रकार का। और आपको पता है दोस्तों एच बराबर आपने देखा था U+PV था, यदि आप डेल्टा एच बराबर देखते हैं दोस्तों इसमें एंथैल्पी में परिवर्तन करते हैं, तो एंथैल्पी परिवर्तन बराबर होता है दोस्तों आपका डेल्टा एच बराबर डेल्टा U+PV, तो यहाँ से आप रख सकते हैं दोस्तों डेल्टा एच यहाँ पर पुट कर सकते हैं आप, तो ये आपका इतनी की जगह पर आप डेल्टा एच पुट कर देंगे, तो आपका डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो ये दोस्तों आपका फॉर्मूला आ गया, इसे ही दोस्तों आप बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यदि आप चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपका समीकरण क्या था, जी बराबर क्या था आपका H - TS, तो यहाँ से आप डायरेक्ट परिवर्तन को डेल्टा से दिखाते हैं, तो आप डेल्टा जी लगा के भी दोस्तों आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो इससे भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप समझेंगे दोस्तों तो आपको सही तरीके से आपको समझ में आएगा किस प्रकार से आपका परिवर्तन होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा पूरा यहाँ पर, और आपको खास तौर पर जो आपको गिब्स मुक्त ऊर्जा है वो समझ में आई होगी। गिब्स मुक्त ऊर्जा का मतलब यही होता है दोस्तों आपका, मान लीजिए किसी निकाय की टोटल मुक्त ऊर्जा आपको निकालनी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, निकाय की जो टोटल एंथैल्पी है, जो आपकी पूरी ऊर्जा होती है उसको आप निकालेंगे, तो उसमें जो अवस्था में परिवर्तन होगा उसके कारण जो आपकी एंट्रोपी होगी और जो आपका बाहर का परम ताप होगा TS, तो इनको आपको घटाना पड़ेगा एंथैल्पी में से, तभी आपकी मुक्त ऊर्जा आपकी सही सही मुक्त ऊर्जा आपको पता लगेगी। तो कहने का मतलब है एंथैल्पी H - TS होता है, तो इतना आपको समझना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगातार बता रहेंगे, टॉपिकों को बताते रहेंगे दोस्तों, हमारे साथ ही बने रहेगा, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों के। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।